फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बारे में जानने वाले हैं। ये रूल 2016 में नोटिफाइड किए गए थे। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एनटीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसेंटली दिसंबर 2019 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें कौन सा बैग यूज करना है फॉर द कलेक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तब तक आप हमारा वीडियो देखते रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शन। तो बेसिकली जो बायोमेडिकल वेस्ट है उन्हें चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उन कैटेगरी अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट रखे गए हैं। जैसे हम चार कैटेगरी में से है येलो है पहली कैटेगरी, इसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट कैटेगरी रखे गए हैं। पहला जो हमारा वेस्ट है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स और फीटस, जो ये वेस्ट है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में आएगा। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट में जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल हम यूज करते हैं उसके रिलेटेड जितने भी हमारे टिश्यू, ऑर्गन जो हम यूज करते हैं वो इस वाले टाइप में आएगा, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट में आएगा। दोनों का प्रोसेस, दोनों को रखने का प्रोसेस कैसे हम उसे हैंडल करेंगे, येलो कलर्ड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग में हम दोनों को स्टोर करेंगे और ट्रीटमेंट प्रोसेस भी दोनों का सेम है, इंसिनेशन और प्लाज्मा पायरोलिसिस और डीप बरियल। तो दोस्तों, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट का जो हैंडलिंग है वो येलो कलर्ड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग है दोस्तों, ये याद कीजिएगा। और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शन जो है दोनों का सेम है, इंसिनरेशन और प्लाज्मा पायरोलिसिस और डीप बरियल। तो इसी से हम इस वेस्ट को ट्रीट करेंगे। तो हमारा येलो जो कैटेगरी में आने वाला जो हमारा तीसरा है सॉइल्ड वेस्ट। तो कोई भी आइटम जो हमारा कंटेमिनेट हो जाता है ब्लड से, बॉडी फ्लूड से, जैसे कि हमारा हो गया प्लास्टर और हमारा हो गया ड्रेसिंग, ये हमारा आएगा सॉइल्ड वेस्ट के अंदर। और इसको हैंडल करने का तरीका बेसिकली इसमें मेंशन नहीं किया गया, मगर जो इसको ट्रीटमेंट का तरीका है उसमें है इंसिनरेशन और प्लाज्मा पायरोलिसिस और डीप बरियल। अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लेविंग फॉलोड बाय शेडिंग और म्यूटेशन और कंबाइन ऑफ स्टरलाइजेशन एंड शेडिंग के बाद आप इसको ट्रीटेड वेस्ट टू बी सेंड फॉर द एनर्जी रिकवरी। अब इस वेस्ट को एनर्जी रिकवरी के लिए भेजेंगे। तो येलो कैटेगरी अंदर हमारा जो चौथा है एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन। जो हमारे हैं मेडिसिन एक्सपायर होगी, डिस्कार्डेड होगी, लाइफ खत्म होगी, तो इसका जो इसके अंदर जो हमारी आती है एंटीबायोटिक आती है, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन आती है एंड आइटम कंटेनिंग विद साइटो आइटम कंटेमिनेटिंग, यानी कि जो साइटोटॉक्सिक मेडिसिन से कंटेमिनेटेड जो आइटम है वो भी हमारा इस वाले टाइप में आएगा। तो इस वाले वेस्ट को हम कैसे हैंडल करेंगे, इस वाले वेस्ट को हम जो भी हैंडल करेंगे किस कंटेनर में स्टोर करेंगे, येलो कलर्ड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग और कंटेनर। तो इसमें हम इसे स्टोर करेंगे। इसका ट्रीटमेंट है जितने भी हमारे काइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं दोस्तों, इसको हमें रिटर्न बैक करना है जहां से हमने लिया है, यानी कि जो इसका मैन्युफैक्चर उसको हम रिटर्न करना है। और जो इसका इंसिनरेशन करेगा ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, अगर हम उसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चर को, अगर हमारे पास कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है तो हम वहां पे कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं, मगर वहां पे भी इंसुलेशन ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। और अगर ये दोनों फैसिलिटी हमारे पास नहीं है या फिर ये अवेलेबल नहीं है तो हम इनकैप्सुलेशन और प्लाज्मा पायरोलिसिस करेंगे, वो भी 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा में करेंगे। और जितनी भी डिस्कार्ड मेडिसिन है वो हम मैन्युफैक्चर को भेजेंगे और जो वो हमारा डिस्पोज करेगा इंसिनरेशन से, यानी कि अपार्ट फ्रॉम काइटोसेनिक ड्रग्स। तो इसके बाद हमारा है केमिकल वेस्ट, जो भी हमारा येलो कैटेगरी अंदर आता है केमिकल वेस्ट, जो भी हम केमिकल यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए हमारे बायोलॉजिकल डिसइंफेक्शन के लिए। तो इसको हम जब हैंडल करेंगे इसको हम येलो कलर्ड कंटेनर और नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग में ही इसे हम हैंडल करेंगे। और इसका डिस्पोजल है डिस्पोज ऑफ बाय इंसिनरेशन प्लाज्मा पायरोलिसिस और इनकैप्सुलेशन इन हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट और स्टोर कर देंगे डिजाइन डिस्पोजल फैसिलिटी और जो डिस्पोजल फैसिलिटी हम डाल देंगे इसे। इसके बाद हमें केमिकल लिक्विड वेस्ट, ये वेस्ट जो हमारा लिक्विड वेस्ट निकलता है जो केमिकल हम यूज करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डिसइंफेक्टेंट
तो उसमें हमारा ये वेस्ट निकलता है, जो भी हमारा वेस्ट निकलेगा, वेस्ट वेस्ट वाटर निकलेगा, इसको हम ईटीपी थ्रू ट्रीट करेंगे, इसका सेपरेट कलेक्शन करेंगे और लीडिंग टू ईटीपी, ईटीसी में ट्रीटमेंट करेंगे। आफ्टर डिस्पोजल रिकवरी द केमिकल लिक्विड वेस्ट शैल बी पी ट्रीटेड बिफोर मिक्सिंग विद अदर वेस्ट वाटर। जब भी हम वेस्ट वाटर डिफरेंट वेस्ट वाटर में डालने ट्रीट एफरेंट में डालने से पहले इसको हम प्री ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद ही हम किसी कॉमन एफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट में इसे हम डालेंगे। और इसको जो डिस्चार्ज हमारी करने के नॉर्म्स है वो डिफाइन की गई शेड्यूल 3 में, जैसे कि हमारा है ऑयल गेज, इसका हमारा 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, जो हमारा एफ्लुएंट यहाँ से ईटीपी के बाद से निकल रहा है। और बीओडी हमारा लेस देन 30 होना चाहिए, टीएसएस हमारा लेस देन 100 होना चाहिए। तो दोस्तों शेड्यूल 3 को आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फिर हमारा जी है डिस्कार्डेड लिनिन मैट्रिसेस बेडिंग कंटेमिनेट ब्लड और ब्लडी फ्लूइड, जितने भी हम यूज करते हैं हॉस्पिटल में बेडिंग्स वगैरह, उसको जो हैंडल करेंगे नॉन क्लोरिनेटेड येलो प्लास्टिक बैग्स और सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल में हम उसे स्टोर करेंगे। और नॉन क्लोरिनेटेड केमिकल डिस्पेंसर फॉलोड बाय इंसिनरेशन, इसका भी हम इंसिनरेशन करेंगे, प्रधान प्रोसेस करेंगे और फॉर एनर्जी रिकवरी करेंगे इससे हम। अगर ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है तो हम म्यूटिलेशन और कॉम्बिनेशन में स्टेलाइजेशन और शेडिंग, और जो भी हमारे इसके बाद जो स्टेलाइजेशन के बाद हमारा ट्रीटेड वेस्ट रहेगा उसको हम एनर्जी रिकवरी और इंसिनरेशन और प्लाज्मा पायरोलिसिस के लिए आगे भेज देंगे। तो हमारे येलो में जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ वेस्ट है वो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है। जो भी वेस्ट माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी से निकलता है, जैसे हम कल्चर करते हैं, वो वाले वेस्ट इस वाले कैटेगरी में आएंगे। और इसको हमारा जो स्टोर करने का है वो है हमारा ऑटोक्लेव सेफ प्लास्टिक बैग के अंदर स्टोर करेंगे, और कंटेनर की जो हमारे जो ऑटोक्लेवेबल होंगे, जो ऑटोक्लेव में जिसे हम पुट कर सकते हैं, और इसका प्री ट्रीटमेंट टू स्टरलाइज विद नॉन क्लोरिनेटेड केमिकल्स ऑन साइट एज पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और WHO के गाइडलाइन के तहत हम इसको प्री ट्रीट कर लेंगे, स्टरलाइज कर लेंगे। तो वो गाइडलाइंस आप दोस्तों देख लीजिएगा, वो इतना ज्यादा आपसे वो पूछेगा नहीं वैसे गाइडलाइंस के बारे में। फिर इसके बाद हमारा है रेड कैटेगरी टेज, ये हमारा दूसरा कैटेगरी है रेड कैटेगरी। इसके अंदर हमारे हैं कंटेमिनेटेड वेस्ट रिसाइक्लेबल, इसमें जितने भी रिसाइक्लेबल हमारे जैसे हमारा नीड सिरिंज हो गया, सिरिंज विद नीडल और विदाउट नीडल वो हमारा हो गया, हमारा ट्यूबिंग्स होगी, और जो भी हम अलग प्लास्टिक मटेरियल जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं उसको हम स्टोर करेंगे रेड कलर नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स और कंटेनर। दोस्तों इसे रेड कलर से हम प्लास्टिक नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग में स्टोर करेंगे, और इन सब का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ऑटोक्लेविंग माइक्रोवेविंग हाइड्रोक्लेविंग फॉलोड बाय शेडिंग और म्यूटिलेशन और कंबाइन ऑफ स्टरलाइजेशन। ट्रीटेड वेस्ट टू बी सेंड टू रजिस्टर्ड और ऑथराइज रिसाइकलर, जो भी हम वेस्ट इसको ट्रीट करेंगे वो ऑथराइज और रजिस्टर्ड रिसाइकल को ही भेजेंगे रिकवरी के लिए, ताकि वो प्लास्टिक से डीजल बना सके, ऑयल बना सके और रोड भी बना सके, जो हमारा अभी लेटेस्ट। देन थर्ड कैटेगरी है वाइट। वाइट में जितने भी हमारे ट्रांसलूसेंट जो आइटम है, जैसे कि हमारा हो गया वेस्ट शॉप इंक्लूडिंग मेटल्स, लाइक हमारा आ गया सीजर आ गया, ब्लेड आ गया, और कोई भी शार्प मटेरियल जो हम यूज करते हैं कट के लिए, बॉडी में कट करने के लिए, वो इसमें सारा जाएंगे। तो इसे हम करेंगे पंक्चर प्रूफ। देखिए दोस्तों, अगर हमें इसे स्टोर करना है, सारे हमारे शार्प हैं, तो हमें पंक्चर प्रूफ बैग में इसे स्टोर करना है, लीक प्रूफ होना चाहिए, टेम्पर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, इसी में हम इसे हैंडल करेंगे। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑटोक्लेविंग से होगा, ड्राई हीट सैनिटाइजेशन होगा, फॉलोड बाय शेडिंग और म्यूटिलेशन एनकैप्सुलेशन, उसके बाद हम इसे डिस्पोज कर देंगे आयरन फाउंड्रीज के। और ये जो जितनी फाउंड्रीज होनी चाहिए ये सब सर्टिफाइड होनी चाहिए SPCB से, तभी हम उनको इसको हैंड ओवर कर सकते हैं। देन लास्ट कैटेगरी में रहा है ब्लू फोर्थ कैटेगरी। इसके अंदर मैं ग्लास भी आता है मेटलिक बॉडी इम्प्लांट्स, कोई भी हमारा जैसे हमारा कोई भी हमारे जिसमें मेटल बॉडी से जैसे हमें बॉडी के अंदर लगाया गया है पेस मेकर हो गया जिसमें मेटल है, तो वो वाले पार्ट इस वाले ब्लू वाले में आ जाएंगे। इसके हमें स्टोर करने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए विद ब्लू कलर मार्किंग, और इसका हम डिसइंफेक्शन करेंगे बाय सोकिंग द वॉश ग्लास वेस्ट आफ्टर क्लीनिंग विद डिटर्जेंट एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड ट्रीटमेंट थ्रू ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग और हाइड्रोक्लेविंग एंड देन सेंड फॉर रिसाइकलिंग, उसका रिसाइकलिंग देंगे, ऑथराइज रिसाइकलर को दे देंगे। तो जो क्वेश्चन है जिसको एंटी तो दिसंबर 2009 में पूछा गया था, उसका आंसर येलो था। और दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपके साथ नीचे दिख रहा है, मैं द लिस्ट गिवन बिलो, दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताएं, सही आंसर क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके पूछें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।